स्वागत है आपका मारीना संदेश में। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के शहादतपुरा, जिसको गाजीपुर तिराहा भी कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, बगल में ये गिरस प्लाजा है और गिरस प्लाजा के बिल्कुल ठीक बगल में, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बगल में, यहाँ देख सकते हैं सिया राम्स का शोरूम है, जिसके ऊपर फायर फ्लाइज कैफे के नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है। और रेस्टोरेंट में काफ़ी बड़ी घटना घट गई है, रात में रेस्टोरेंट में आग लग गई थी और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से एक पतली प्लास्टिक पिघल के ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर एसी वगैरह भी बिल्कुल गल के बिल्कुल ख़त्म हो गए, पिघल के बह गई है, नामो निशान ख़त्म हो गया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। बता रहे हैं लोग कि जो स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई है, बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर आग लगी है, आग का कारण पता नहीं था, अज्ञात कारणों से आग लगी है। लेकिन जो अज्ञात कारण के बाद भी यहाँ पर मौके पर पहले पुलिस आई, पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया और एक घंटे की लगभग कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन रेस्टोरेंट में लगभग 90 से 95% सामान जल के ख़त्म हो चुका है, नहीं बचा है। अंदर रेस्टोरेंट की सीन हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धुएं की वजह से सब काला है, बिल्कुल अंधकार वाला माहौल है। हम अंदर चल के हम आपको दिखा रहे हैं क्या स्थिति है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या आखिर मामला है, कैसे आखिर आग लगी थी, पूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सब दिखाएंगे। सर मेरा नाम गुंजेश यादव है। हाँ। और सर मैं यहाँ का मैनेजरमेंट हूँ। अच्छा। मैनेजरमेंट करता हूँ। रात में 10:30 बजे हम लोग दुकान बंद किए। हाँ। और घर गए तो 11:30 बजे कॉल आया कि आपके रेस्टोरेंट में आग लग गया है। अच्छा, बंद करके बाहर से ताला वाला बंद था? हाँ, सब ताला वाला सब बंद कर दिए। अच्छा, तो इसलिए आग कैसे बुझी, फायर ब्रिगेड वाले कैसे गए, ताला तोड़ के गए? हाँ, ताला तोड़ के मेन तोड़ के गए, फिर अच्छा। उसके बाद एक शटर पे ताला था। हाँ। तब तक हम लोग भी आए तो अंदर का वो सब आग लगभग बुझा। आप कहाँ रहते हैं? मेरा घर कोपागंज। आप कोपागंज से आए? हाँ, आधा घंटा से ऊपर लग गया। क्या क्या नुकसान हुआ जरा दिखाएं आप। चलिए सर, नुकसान यहाँ पर अंदर हम लोग चल रहे हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ नुकसान हुआ है। और बिल्कुल आप अभी से अंधकार वाला माहौल आप देखना शुरू कर दिए हैं। ये काफी खूबसूरत और काफी बेहतरीन ये रेस्टोरेंट था, फ्री फ्लाइज के नाम से, जहां पर अब ये रेस्टोरेंट सिर्फ धुआं में और अंधेरे में तब्दील हो गया है। राख और पानी सिर्फ यहाँ पर आपको दिखेगा। हम रेस्टोरेंट के अंदर चल रहे हैं, जमीन पे से दिखाना शुरू करें, यहाँ पर सिर्फ राख और पानी है। पानी इस वजह से है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो आई थी आग बुझाने के लिए, और राख वगैरह सब हो चुका है अंदर रेस्टोरेंट में। चलिए आप थोड़ा आगे आगे चलें, आप सब बताते हैं क्या था इधर अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत रेस्टोरेंट, क्या उसकी तीन तीन एसी सब साफ हो गई। ये एसी लगा था कहाँ? एसी लगा था एक एसी है। अच्छा, ये एसी लटका हुआ है, ये एसी है और दो जॉर्ज था, एक एसी बगल में लटक रहा, दूसरा एसी और तीसरा एसी बिल्कुल लास्ट में वहां पर एक दिख रहा है। और इधर डेकोरेट था, ये सब खत्म। क्या था? डेकोरेट था, पेड़ था। अच्छा, डेकोरेशन वगैरह सब था। हाँ, और ये सब कुछ जल के खत्म हो गया। सोफा सारा जल गया है। अच्छा, कुछ नहीं, एक साइड का ही सारा सोफा जल गया है। ये सब देख सकते हैं, जमीन पर बिल्कुल राख बन करके सारा सोफा पड़ा हुआ है। इधर का कांच और सब टूट टाट गया है, जो जी? टेबल का जो कांच था सब टूट गया है। अच्छा, टेबल वगैरह जो कांच वगैरह सब चूर हो गया है आग की गर्मी से। जी, ये काफी बड़ी आग है, देख सकते हैं किस तरीके की आग। शहर के बीचों बीच में एक बड़ा नुकसान हो सकता था, अगल बगल की बिल्डिंगों को भी, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा है कि कहीं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ दूसरी बिल्डिंगों का, जो हुआ इसी में हुआ, लेकिन इस बिल्डिंग का ऐसा हुआ सब खत्म हो गया। एलसीडी भी सामने एक बड़ा एलसीडी लगा हुआ, वो भी बिल्कुल जल के खत्म हो चुका है। और अंदर किचन का भी आधा से पूरा, ये सब आप देख सकते हैं सामने, ये एक एसी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ऊपर की प्लास्टिक बह चुकी है जल करके। और अंदर के किचन की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, वहां चल करके जाएंगे, अंदर चले आप थोड़ा किचन दिखाएंगे। सब लगभग अंदर चले आप, अंदर चलिए आप। किचन के अंदर बिल्कुल चला जाए, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, काफी दिक्कत हो रही है देखने में, लेकिन कोशिश की जा रही है मोबाइल की लाइट वगैरह से कि आपको दिखाया जाए। ये मशीनें सब दुरुस्त हो गई, माइक्रोवेव वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल जल के खत्म हो चुका है। काफी बड़ा इस रेस्टोरेंट का नुकसान हुआ है, अंदर पानी काफी भरा हुआ है, फ्रिज का पूरा सट गया, इसमें जल के पूरा लेवल खराब है, फ्रिज का पूरा खराब है सट के। इधर दरवाजे के पास में है और धुएं की वजह से काफी ज्यादा धुंध गया है और लाइट वगैरह वायरिंग वगैरह सब खत्म हो चुकी है। 95% दुरुस्त हो गया है, 95% तक ये जल के खत्म हो चुका है। यहाँ पर पुलिस आई थी, जहाँ पर इनका जो है जीडी पर रोजनामचे पर सामान्य दैनिकी जो थी वहाँ पर दर्ज करके इनको दे दिया गया, इनकी सूचना दर्ज हो गई है और फायर ब्रिगेड द्वारा जो बुझाया गया है आग उसकी भी उन्होंने तफसील वहाँ पे दे दी है। 11:30 से 12:30 बजे के बीच में बताया ये जा रहा है कि रेस्टोरेंट का ताला बाहर से बंद था और बंद ताले में
ताला तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोग अंदर आए और बुझाया गया। आग किन कारणों से लगी ये कारण अज्ञात बताया गया है। सिर्फ यही एक फ्लोर नहीं है, ऊपर के फ्लोर पर भी हम चलेंगे, वहां हम आपको दिखाएंगे जहां पर इस रेस्टोरेंट के ऊपर यानी एसी का कंप्रेसर वगैरह जहां था और पाइपलाइन को पकड़ करके कितना तेजी से वहां आग बढ़ी थी, वो भी हम आपको चल करके ऊपर अभी दिखाते हैं। और चाहेंगे हम कैमरा पर्सन से कि वो सामने आए और दिखाया जाए चल करके जो ऊपर जो आग ने तबाही मचाया है। आप क्या बता रहे थे, थोड़ा देर अगर लेट होती तो एक घंटे कड़ी मेहनत के बाद पूरा कंट्रोल हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये सब एसी का ये सब पड़ा हुआ है, चिथड़ा होकर के एसी किस तरीके से प्लास्टिक की तरह गल गई है। जो मेटल का आइटम था सिर्फ वही बचा हुआ है, बाकी सब कुछ प्लास्टिक का कोई आइटम एग्जॉस्ट वगैरह वहां लाइन से लगा हुआ था जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पिघल के पानी बह गए, सिर्फ मोटर लटक के दिख रही है। जो मेटलिक आइटम था सिर्फ वही बचा, बाकी सब खत्म हो गया है। शीशा भी बैंड टाइप हो गया था, शीशा वगैरह भी सब बैंड हो गया है, टेढ़ा हो गया है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस रेस्टोरेंट में। सिर्फ और समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग का ढांचा बचा हुआ है और ढांचे के अलावा लगभग सब कुछ जल के खत्म हो चुका है। अब आगे चली सत पदरा लेके चले, कहां जला हुआ है। हम चल रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन पर जहां हम आपको दिखाएंगे कि एसी के कंप्रेसर तक पहुंच गई थी आग। अगर थोड़ा देर 10-15 मिनट अगर रुक गए होते तो जबरदस्त विस्फोट होने की संभावना थी, जबरदस्त नुकसान हो सकता था, एक बम की तरह वो फटता जो उसमें कंप्रेसर है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ अच्छा ही मंजूर था कि वो उतना बड़ा नुकसान नहीं हो सका। यहाँ पर भी देखा सब काला हो चुका है, धुआं भी आ रहा था। ये एसी का कंप्रेसर आप देख रहे हैं, आउटडोर जो है उधर यहाँ देख सकते हैं, तीनों एसी की हाल वही हो चुकी है, दीवारें लगभग काली हो गई हैं, काफी बड़ा नुकसान हो गया है। बाहर से आप यहाँ का लोकेशन का अंदाज लगा सकते हैं, सामने क्या लोकेशन ये है, जो एक टूटी फूटी बिल्डिंग आप पेरिस प्लाजा की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग देख रहे हैं उसके ठीक सामने, और सामने एक हिंदुस्तान का शान, हमारे देश की शान तिरंगा लहर रहा है इस तिरंगे के सामने, तिरंगे चौराहे के बगल में आप देखेंगे तो गिरफ प्लाजा है, बिल्कुल सटा हुआ ये है जहां पर इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब देखना यह है कि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति किस तरीके से होती है और कब तक ये रेस्टोरेंट अपनी जो सुविधा थी वो सुविधा इस रेस्टोरेंट में कब मिलेगी जो पहले चल रही थी, देखना यही है। और ऊपर वाले से कामना की जाती है कि इनको सहन शक्ति दें ताकि दोबारा ये अपने शहर मऊ की सेवा कर सके। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इस रेस्टोरेंट के उस हिस्से में जो हिस्सा इस दुर्घटना के बाद, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद बचा रह गया है, शायद कि ईश्वर की कृपा ही रही होगी इस रेस्टोरेंट की जो ओनर है उनके साथ, जो रेस्टोरेंट का ये हिस्सा बच गया। कैसे, ये अलग था तो यहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई? तो कहीं ना कहीं जो अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग की सतर्कता थी उसकी देन ये है, जो रेस्टोरेंट का ऊपर का जो हिस्सा है वो बच गया। और एक बड़ी दुर्घटना, काफी बड़ी दुर्घटना इस रेस्टोरेंट के लिए तो हो ही गई, लेकिन अब आग जिस प्रकार से ऊपर भी पहुंच चुकी थी, एसी के कंप्रेसर तक भी आ चुकी थी आग, लेकिन अग्निशमन विभाग की और पुलिस विभाग की यह सतर्कता थी जो तत्काल वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट का ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं सही सलामत, जहां पर सोफे भी हैं और तमाम सारी जो भी चीज़ें जैसे थीं वैसे ही बची रह गईं, और इसका श्रेय बिल्कुल अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग को जाता है और उनकी इस सतर्कता और इतनी कार्यनिष्ठा जो है, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी जो है, उसकी भी सराहना होनी ही चाहिए। खैर, फिल वक्त के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।